नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बड़ी खबर, पंत को दिल्ली या फिर मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। बीसीसीआई बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट करवा सकती है। ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जा सकता है मुंबई या फिर दिल्ली। पंत की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद बीसीसीआई फैसला लेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऋषभ पंत का आज एक्सीडेंट हो गया और देहरादून के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज उस दौरान के जब ये एक्सीडेंट हुआ था, और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद घायल पंत की मदद करते हुए लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज जारी है। तो ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा सकता है दिल्ली या फिर मुंबई के किसी अस्पताल में, जहां पर उनका और बेहतर इलाज हो। बीसीसीआई बेहतर इलाज के लिए उनको शिफ्ट करवा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जा सकता है। पंत की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद बीसीसीआई अब फैसला लेगा। अभी मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी माताजी से बातचीत की थी और उन्होंने उनके बेहतर इलाज के लिए आश्वासन भी दिया। ऋषभ पंत का भी इलाज मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में चल रहा है, लेकिन उनको दिल्ली या फिर मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे की शिकार हो गई थी। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त यह हादसा हुआ और हादसे की 5 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब आग का गोला कार बन गई थी, तो उसके बाद देखिए आग का क्या हाल हुआ। दूसरी तस्वीर हम आपको अस्पताल के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर घायल पंत का इलाज अभी जारी है। जब उनको वहां पर शिफ्ट किया गया था, उस दौरान की यह तस्वीर है। वहीं आप देख सकते हैं कि जब ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार आग का गोला बन गई, कार ने को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, तो आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से कार का हाल हुआ है। जो आसपास लोग आ जा रहे थे, उन्होंने ये वीडियो शूट किया। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह हादसा जब हुआ तो तेज रफ्तार में गाड़ी थी, और उसके बाद देखिए किस तरीके से आग की चपेट में ये पूरी की पूरी गाड़ी आ गई।